तो अब हम बात करते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स की, एंटी मार्कोनिकोव्स। तो एंटी मार्कोनिकोव्स में क्या होता है, परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। इज दैट क्लियर देवांश? यस सर, देखिए जैसे मान लीजिए यही ले लिया हमने सी हमने एल थ्री स्क्रीन शेयर सी की है। ओके हुआ। तो यस सर, आगे यहाँ पे आ गया आपका अनसिमेट्रिकल एल्किन। अब इसमें क्या करेंगे, एच बी आर एड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड देवांश जब करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट एच बी आर में कौन है ये बता दीजिए जरा मुझे। बी आर, बी आर, तो बी आर कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और बी आर यहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है और एच वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स। इज दैट क्लियर? अब ये जो एंटी मार्कोनिकोव है ना, ये प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल से प्रोसीड करता है देवांश, और वो किससे करता है, कार्बोकेटायन से। और मार्कोनिकोव्स की जब बात करते हैं हम लोग, मार्कोनिकोव्स तो यहां लिख सकते हैं प्रोसीड थ्रू कार्बो केटायन। इज दैट क्लियर देवांश? तो या अगर मैं आपको एक सवाल देता हूं, ये पहले लिख लीजिए ठीक है, यहीं पे सवाल नीचे लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है, आईयूपीएसी स्ट्रॉन्ग करना है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम लिखते रहिएगा आप, राइट? आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट, नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेंड बाय एडिशन रिएक्शन ऑफ एच बी आर टू हेक्स वन ई। ए जो है कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, बी जो है ये कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड। नहीं हो तो बता दीजिएगा। ओके सर, फिर ट्राई कर रहा हूँ।
सर फर्स्ट वाले का टू ब्रोम हेक्सेन टू हेक्स टू ब्रोमो हेक्सेन तो जैसे हेक्स वन इनकी जब बात हुई तो आपने ऐसा किया होगा CH3। यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 तीन हो गए चार और पांच डबल बॉन्ड CH2। तो पहले वाले में क्या है इन एब्सेंस है, एब्सेंस का मतलब क्या हो गया मार्कोनिकोव हो गया ना, आपने क्या बताया नाम टू ब्रोमो हेक्सेन टू ब्रोमो, सही से बोलिए टू ब्रोमो हेक्स इन हेक्सीन, आर यू सेइंग हेक्सीन और हेक्सेन सर ए एनी हेक्सेन हेक्सेन। अच्छा जी अचानक से चेंज हो गया, नहीं सर मैं क्या होगा डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 तीन हो गया, ये चौथा हो गया और ये हो जाएगा आपका पांचवा। यहाँ पे BR आ जाएगा नेगेटिव एडेंडम पार्ट और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो बिल्कुल सही टू ब्रोमो हेक्सेन। चलिए दूसरा वाला कर लीजिए फटाफट। हो गया यहाँ परऑक्साइड लगा देंगे क्या बन जाएगा सर वन ब्रोमो हेक्सेन, ये एंटी मार्कोनिकोव बन गया, बिल्कुल सही बोला आपने मार्कोनिकोव्स, एंटी मार्कोनिकोव्स देखते ही आपके दिन में क्या आना चाहिए कि जहां पे हाइड्रोजन कम है अक्रॉस डबल बॉन्ड वहीं पे हाइड्रोजन जाएगा और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे ब्रोमीन चला जाएगा, सिंपल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा वन ब्रोमो हेक्सेन, वेरी गुड वन ब्रोमो हेक्सेन। स्लाइड चेंज करो। यस सर मतलब पीछे कर लीजिए, मैंने ऊपर नोट भी किया था। अच्छा पीछे कर लेता हूँ आप बोल रहे थे। ये भी करना है ये से वो एंटी नहीं है। ओके बताइए, देखते देखते ये साल भी खत्म हो गया ना, आप 12th में आ गए। यस सर ये करिए जरा एक मिनट रुक जाइए देवांश। सर आपने ये प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल लिख रखा है। दिस द वन दैट इज प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल
एंड फॉर मार्कोनी कोर्स इट इज प्रोसीड थ्रू कार्बोकेटायन, इज दैट क्लियर? यस मैकेनिज्म में ये मार्कोनी कोर्स जो होता है वो कार्बोकेटायन यानी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और फ्री रेडिकल का मतलब कार्बन पे डॉट। ओके यस एक मिनट नोट करना। मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास ट्वेल्थ में yes. भी सर। हाँ मैं कुछ कह रहा था आपसे, मार्कोनिकोव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास ट्वेल्थ में भी, आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये खत्म होता है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज विच इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसका पढ़ रहे हैं हम, एल्कीन का, तो एडिशन किस में करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का, एल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो अपने के पास अपने पास क्या है, सी एच थ्री, ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, और एच टू एस ओ फोर का स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाओ तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नो रुक जाइए मैं अभी बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर मैं लिखूं, इज स्क्रीन विजिबल देवांश? यस सर। ओके, अगर H2SO4 का मैं स्ट्रक्चर टाइप में लिख दूं तो कोई दिक्कत? ये बस एक बार समझाने के लिए, उसके बाद तो आसान है। H2SO4 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यस सर। अब देखिए होगा क्या देवांश, सो सिंपल इट इज, इसमें करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है, ये डबल बॉन्ड तो टूटना है क्योंकि एडिशन करना है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, पांच तो बना नहीं सकता, तो कुछ ऐड करने के लिए पुराने बॉन्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ के आपको क्या करना है ना, सिंपल तोड़ के किसी एक पे रख दीजिए OH, ये वाला पार्ट एक साथ रख दीजिए, ठीक है, जिस पे मैंने गोला किया है दैट इज सराउंडेड, ये एक पार्ट में कर दीजिए, यानी OH यहां लगा दिया और बचा हुआ चीज यहाँ लगा दीजिए CH2। अब उसके बाद क्या बचा, SO3H बचा कि नहीं देवांश? यस ठीक है, SO3H बचा, या फिर HSO4 लिखना चाहे तो HSO4, सॉरी चार ऑक्सीजन बचा ना, ठीक, एक मिनट, तीन ही ऑक्सीजन बचा ना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे OH आपने इधर लगा दिया तो बचा क्या, SO3H बचा, है ना, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं OSO2, ठीक है, तीन ऑक्सीजन हो गया और एक हाइड्रोजन है तो उससे भी लिख लीजिए H2SO4 का स्ट्रक्चर, सही है ये OSO2, ठीक है, और H भी है तो H भी लगा लीजिए, ठीक है, नॉट अ बिग डील, वेट अ मिनट देवांश, एसिड क्या देता है, H+ क्या देता है, एसिड H+ देता है, तो सिंपल यहां से हमें क्या करना है कि एक H को निकालेंगे यहां से, ये एक H निकल गया तो ये CH2 तो है ही, ये सिंगल बॉन्ड CH2, अब यहां पे एक H आ जाएगा और बचा हुआ चीज क्या बच गया, यहां पे HSO4 बच गया, उसे यहाँ लगा देंगे। अब इसको बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ जाएगा आपके पास ऐसे लिख सकते हैं OSO2, ठीक है, OSO2OH, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम ही तो है, HSO4 ही तो है कि नहीं? यस सर। तो बस इसमें इतना ध्यान में रखना है कि जो H+ एक निकालना है डबल बॉन्ड के अक्रॉस देना है, ठीक है, सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये अभी सिमेट्रिकल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल में ना, अनसिमेट्रिकल में आपको पता होना चाहिए कि मार्कोनी को फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, मार्कोनी को, ठीक है, अब H2SO4 में H+ निकलेगा तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये कौन सा हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया, इसे लिख लीजिए,
देवांश डन। जस्ट मिनट, एक मिनट। सर आपने नीचे वाले में वो CH2, ये सर CH2 उसमें ऐसे ही है। अच्छा सर दूसरे वाले में वो आपका एक हाइड्रोजन भी तो है कुछ। एक एच रह गया। हाँ ऐसे लिख लीजिए। सर ये आपका सिमेट्रिकल होगा ना। जी देवांश सर ये सिमेट्रिकल होगा, मतलब आपने दो रख रखे हैं ये तो तो। सिमेट्रिकल है ना, जैसे यहां से थोड़ा आपने तो दोनों तरफ सेम मिरर इमेज, यस मतलब सर, बेसिकली सिमेट्रिकल का ये सेंस यहाँ पे हो जाता है जब डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो हाइड्रोजन है ना सेम ही होगा। यस सर, अब मैंने बता दिया है कि जब अनसिमेट्रिकल आएगा आपको उसमें से क्या निकलेगा ये भी बता दिया हूं मैं, और जब अनसिमेट्रिकल आएगा तो क्या होगा। करिए जरा। हो जाएगा ये करिए। यस सर, सर हो गया। तो क्या प्रोडक्ट ऐसा आया आपका CH3CH2 हो जाएगा, यहाँ H है तो सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये एच ही होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 था तो ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास HSO4 लिख लीजिए, या फिर आप चाहें तो OSO2 OH लिख लीजिए। यही आया है क्या, ये उल्टा आया है। मैंने बीच वाले में वो CH2 हो गया था मेरा। नहीं, तो वो एंटी मार्कोनी को हो गया ना, मैंने क्या बोला मार्कोनी को फॉलो कराइएगा ठीक है। अगर नेगेटिव पार्ट देना है तो मार्कोनी को में नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है देवांश, जहाँ हाइड्रोजन कम होता है ना। यस सर, तो इसे लिख लीजिए। डन सर। एडिशन ऑफ वाटर देखेंगे, इसमें भी मार्कोनी को फॉलो होगा। देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा, अभी तो सिमेट्रिकल ले रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ठीक है देवांश, यस सर, और इसमें क्या करना है H2O को डालना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन को भी ऐड करना है इन द रुक जाइए ये तो ऑक्सीडेशन वाला लिख रहा हूँ मैं, हमने क्या लिखा है एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऑक्सीजन में ऐड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H2O को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अब आपको पता है कि H2O दो पार्ट में टूटता है, किस किस पार्ट में टूटता है देवांश, एक H+ में दूसरा किस में OH- में जाता है कि नहीं। यस सर, अब फिर से यहाँ पे एंटी, यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है कहीं कुछ भी रख दीजिए, ये CH3 हो जाएगा ये सिंगल बॉन्ड, और ये CH2OH हो जाएगा कि नहीं।
यस सर, दो पार्ट है, एक एच प्लस और दूसरा ओ एच माइनस, तो एक इस पे चला जाएगा एक इस पे चला जाएगा, दोनों क्या है सिमेट्रिकल है, तो कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर? यस, अरे अब देखिए, मान लीजिए अनसिमेट्रिकल एल्किन आ गया, लाइक मान लीजिए ऐसे आ गया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच टू, और यहाँ आ गया सी एच थ्री। अब इसमें एच टू ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस, इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ भी मार्कोनी को फॉलो होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच थ्री मार्कोनी को जैसा, ये सी एच थ्री हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हो, और नेगेटिव पार्ट, इसमें भी दो पार्ट है ना, दो पार्ट देखिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो इसके पास भेज देंगे, तो ये बन जाएगा। इसका नाम भी लिख सकते हैं आप, इसका नाम लिखिएगा तो इसका नाम क्या होगा टू मिथाइल, इसका नाम क्या होगा टू मिथाइल, और तीन कार्बन है पेरेंट चेन में, तो प्रॉप, और उसके बाद वन इन हो जाएगा। इधर से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, इसमें देख लेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा थ्री मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल, हो जाएगा कि नहीं देवांश? यस सर, हो गया। अब इसे मिल सका रहा हूँ। हो गया, वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, अब तो इस टाइप का हो जाएगा ना, एच टू एस ओ फोर में भी वही लग रहा है और उसमें भी वही लग रहा है, एसिड प्लस वाटर में। अब अपने पास देखिए क्या आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सिमेट्रिकल ले लेते हैं, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, और इसको क्या करते हैं हम लोग एच टू में डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें एज अ रिएजेंट हम डालते हैं डाइल्यूट के एम एन ओ फोर, क्या डालते हैं डाइल्यूट के एम एन ओ फोर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है डाइल्यूट के एम एन ओ फोर एट 273 केल्विन व्हिच मींस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पे देखिए लिए क्या आ जाएगा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है एच टू है, इसमें से एच प्लस निकलेगा और एक क्या होगा ओ एच माइनस, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो ये दोनों कंबाइन होकर ओ एच ओ एच बना लेंगे, और डबल बॉन्ड टूटेगा, और डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये तो बहुत ही आसान होता है ओ एच ओ एच चला जाएगा, सी एच टू ओ एच ओ एच सी एच टू ओ एच ओ एच। अगर दूसरा रिएक्शन देखना चाहे तो इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या हो गया अनसिमेट्रिकल आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है एच टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच टू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट के एम एन ओ फोर, वही चीज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट के एम एन ओ फोर और 273 केल्विन और 273 केल्विन, तो यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो इनके इनके बीच में क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, एक ओ एच यहाँ आ जाएगा एक ओ एच यहाँ आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये ए पार्ट है, अभी दूसरा कराएंगे के एम एन ओ फोर का ही, के सी डी पोटेशियम परमैंगनेट से भी यही होता है, इसके बारे में एक पॉइंट लिख देता हूँ मैं नीचे।
एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लोग बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। डायरेक्ट ये भी सवाल पूछ सकता है कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, तो पोटेशियम ये बेयर्स रिएजेंट, एक्वस सॉल्यूशन ये जो होता है बेयर्स रिएजेंट होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। प्रोड्यूस विसिनल ग्लाइकॉल्स, विसिनल का मतलब एडजेसेंट वाले पे, विसिनल ग्लाइकॉल्स नहीं हो, ठीक है, विसिनल ग्लाइकॉल्स एक जेमेलाइट, ठीक है। हो जाए तो बताइएगा। यस डन, मैं चेक कर रहा हूँ। सर आपने वो पोटेशियम परमैंगनेट लिख यस रखा। परमैंगनेट, डन।
यस सर, डन। चलो। अब इसका बी पार्ट करेंगे कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में डालते हैं तो क्या होता है। तो यहां लिख लेंगे एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस एल्कीन्स टू, वहां ग्लाइकोल बन रहा था एडजेसेंट कार्बन पे ओएच आ रहा था, यहां ऑक्सीडाइज करके कीटोन्स और या फिर एसिड भी बना लेता, कीटोन्स एंड और एसिड्स कीटोन्स एंड एसिड्स ऑफ एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन एंड द कंडीशंस, उसके किस कंडीशन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप से ऑक्सीडाइज होगा। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जस्ट सपोज मैंने सी एच थ्री का होल ट्वाइस ले लिया और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ हमने ले लिया KMnO4 जो कि एसिडिक है यानी एच प्लस भी ऐड हुआ है, तो यहाँ पे सीधे सीधे देखिए होगा क्या, CO CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। अब ये कैसे बना तो जरा ध्यान दीजिएगा दिवांश, यहाँ पे क्या है ये C, यहाँ पे CH3 है और यहाँ क्या है CH3 है, इसी चीज को लिख रहा हूँ मैं दोबारा, और ये डबल बॉन्ड CH2 है, यही ऐसे ही है ना। यस सर। और यहाँ पे निकल जाएगा CO2 साथ में प्लस H2O भी निकल जाएगा, यानी यहाँ पे जो दे रहा है आपका प्रोपेनॉन देगा, ठीक है। इसका सारा मैकेनिज्म क्लास 12th में हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, KMnO4 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ, इसी चीज को लिख रहा हूँ दोबारा, H प्लस, तो यहाँ से क्या होगा ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। बॉन्ड टूटा, ऑक्सीडाइज करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये CH3 तो दो इसके पास है ही, एक ये और एक ये, तो ऐसे लिख दिया मैंने, और एक ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा तो डबल बॉन्ड ओ यहाँ आ जाएगा। अब ये कार्बन है, ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ के एक ओ इसको दे दीजिएगा, एक ओ इसको दे दीजिएगा ताकि ऑक्सीडाइज हो जाए, और ये बेसिकली कितना बना लेगा CO2 बना लेगा, क्या बना लेगा CO2 बना लेगा, और इसके साथ H2O भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक बॉन्ड तोड़िए, वो इधर इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, समझाने के लिए मैं बस लिख रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इसका मैकेनिज्म पूरा क्लास 12th में हमें पढ़ना है, समझ में आई बात कैसे हो रहा है, यस सर। तो बस ये लिख लीजिए।
सर पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7। ओके डन वेरी गुड। अब देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये अलग अलग डिपेंड करता है कि किस तरीके का रिएजेंट यूज कर रहे हैं, क्या कंडीशन है उस पे। अब जैसे मान लीजिए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम लिखा जाएगा 1, 2, 3। इसका नाम क्या होगा, 2-मिथाइल ब्यू, सॉरी 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो प्रॉप 1-ईन यानी प्रोपीन। अब देखिए दूसरा वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड इधर CH3, ठीक है। तो इसका नाम अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2-ईन। अब इसमें हम क्या करते हैं, KMnO4 ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे KMnO4 यहाँ भी ऐड करेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द एल्किन और कंडीशन ये चीजें चेंज होते जाता है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ पे 2 ही कार्बन देख रहे हैं, तो यहाँ बेसिकली 2 मोल बन जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, ये लिख लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर का, एल्कीन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज में करेंगे, विच इज ओजोनोलाइसिस। ये रिएक्शन हमें याद करनी पड़ेंगे ना? नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा कौन किससे बन रहा है, बाकी हो जाता है खुद ब खुद। 4 होगा तो 2 का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ज्यादा नहीं है, मैकेनिज्म भी सीख लेंगे। डन सर। सारे हो गए, चलिए। अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज ओजोनोलाइसिस। और ओजोनोलाइसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत आसान है। ओजोनोलाइसिस देखिए, ओजोनोलाइसिस क्या होता है, बेसिकली O3 को ऐड करते हैं हम लोग एल्कीन में। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, O3 को ऐड करते हैं ओजोन को। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये CH2 और ये हो जाएगा CH2। डबल बॉन्ड को दिखाइएगा नहीं, नहीं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और O3 को ना घर बना दीजिएगा इस तरीके से, ये सारे के सारे क्या है, O है, ठीक है। और ये इस तरीके से लिख सकते हैं आप डबल बॉन्ड के अक्रॉस, इज दैट क्लियर। यस सर। और इसको यहां से और यहां घर बनाया आपने, तोड़ भी दीजिए। ये हवा में दिख रहा है आपको, हवा में दिख रहा है कि नहीं, यस सर। ये आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि Zn+H2O डाल देंगे। Zn+H2O डालेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, Zno लेके बाहर निकल जाएगा। तो अब अपने पास बचा क्या, मेन प्रोडक्ट में ये वाला पार्ट बचा CH2O और ये वाला पार्ट बचा CH2। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है,
एक हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना टू बॉन्ड बनाएगा? सर टू टू बनाएगा, वन सॉरी वन बॉन्ड बनाएगा। तो दो हाइड्रोजन इसके पास है, पहले इसका वाला लिख रहा हूँ, दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। अब एक ऑक्सीजन इसके पास बचा कि नहीं, और कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना रहा है, बनाता है वन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार आपने क्या पूछा, कार्बन है, कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, फोर बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो एक मिनट, मैक्सिमम फोर बॉन्ड बनाता है, तो ये ऑक्सीजन आ गया तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं, बनाएगा ना। देखिए yes, दो हाइड्रोजन तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेगा, अब ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। अब इसका नाम बता दीजिए जरा, नाम बता सकते हैं? यस सर, जस्ट सर मेथनल, मिथेनल, क्या हो जाएगा, मिथेनल। और इसको भी आप देखेंगे तो ये भी मिथेनल है भाई, एच सी एच ओ लिख सकता हूँ कि नहीं, इधर वाले को भी, ये भी तो यही है ना, एच सी एच ओ। यस सर, ये बात समझ में आया कि नहीं, देखिए यहाँ सी एच टू, इसी की तरह सी एच टू, और वो ये लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर, मिथेनल मिथेनल दो दे दिया, ये मिथेन लिख दिया गलती से, ये मिथेनल होगा, ये भी क्या होगा, मिथेनल। तो देखिए बस हम कर क्या रहे हैं, जस्ट सपोज अब अपना सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ले लेते हैं, ओ थ्री ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो आपको क्या करना है कि जो डबल बॉन्ड है बस उस पर फोकस करिए और उसको नहीं लिखिए, ये लिख देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन क्या कर देंगे, घर बना देंगे इस तरीके से, बना सकते हैं ना। यस सर, अब यहाँ पे ऐसे कर दिया हमने, तो ये हटा दिए, ये हटा दिए। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, जेड एन प्लस एच टू ओ ले लेना है, जेड एन प्लस एच टू ओ। तो अब अपने पास प्रोडक्ट क्या है, ये तो निकल जाएगा, अब यहाँ क्या बचा, इस वाले प्रोडक्ट में अगर ध्यान से देखे तो यही चीज बचा ना बस, yes, क्या बचा है, सी एच थ्री बचा है, वेट अ मिनट, यहाँ क्या बचा है, दो प्रोडक्ट देगा, हर दो सारे जनरलाइजेस दो प्रोडक्ट देंगे, आइदर सेम और डिफरेंट, सी एच थ्री, और इधर क्या बचा, ये सी एच थ्री लिख दिया तो सी एच ओ बचा, इसका नाम तो पता ही होगा आपको, और इधर सी एच टू ओ बचा, विच मीन्स एच सी एच ओ, है कि नहीं, यस सर, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, ये इथेनल हो जाएगा और ये मिथेनल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं देवांश, यस सर, चलिए सर इसे लिखिए जरा। सर इसमें जो ऑक्सीजन जो बच रहा है उसका क्या होगा, वो तो जेड एन ओ बन के निकल जाएगा।
हो गया, चलिए आराम से यस सर, डन। डन। चलिए वेरी गुड, तो मैं एक आपको देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ओजोनोलाइसिस करना है बेसिकली आपको CH3CH2CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ गया CH3। ओजोनोलाइसिस करिए, पहले स्टेप में घर बनाएंगे, दूसरे स्टेप में तोड़ेंगे, घर बना के तोड़ेंगे और Zn+H2O दूसरे एरो पे लिखेंगे। हो गया, यस सर, वेरी गुड। तो प्रोडक्ट बना लिया आपने, मैं अगर दिखाऊं आपको प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना है, सिंपल CH3CH2, और जहां डबल बॉन्ड है उसको शो ना करिए, उसके आगे पहुंच जाइए CH देन CH3। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ओ ओ ओ लिख देंगे ये इस तरीके से, एज सिंपल एज दैट, और उसके बाद ऐसे तोड़ देंगे, और उसके बाद अपने पास क्या हो जाएगा, ये Zn और H2O कर देंगे। अब देखिए अपने पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या बचा, ये वाला पार्ट बस बचा, ठीक है, इसमें CH3CH2CHO प्रोपेनल, और इधर देखेंगे तो ये CH3, हाँ CH3CHO हो जाएगा कि नहीं। यस सर, आगे बढ़े, यस सर, वेरी गुड। एक और सवाल करते हैं इस पे कि जो सपोज आपको ऐसा कुछ दे रखा है, इसका ओजोनोलाइसिस करा दीजिए जरा।
सर प्रोपेनल बन रहे हैं दो, दोनों में क्या बन रहे? सर प्रोपेनल, प्रोपेनल नहीं बनेगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बिल्कुल नहीं बनेगा। देखिए जरा CH3, इसको CH3 और ये CH3 है ना। यस सर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ओ ओ ओ, और ये इस तरीके से, यहाँ से ये और ये टूट जाएगा, होगा। यस सर। ये ZnH2O हो गया, ये तो ZN इसके साथ निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, CH3 और ये O C। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो ये C इधर है, CH3 इधर है, CH3 इधर है, और यहाँ पे क्या है, O है इसके साथ, इस C के साथ O है, तो O रखिएगा तो ये डबल बॉन्ड आएगा ना, तो ये तो कीटोन बना कि नहीं, 1 2 3 बताइए। अब इसको और अच्छे से देखने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, लीजिए CH3, क्या आप कीटोन दिख रहा है आपको? यस सर। हर एंगल से दिखना चाहिए, तो ये प्रोपेनॉन बना ना। यस सर। और सिमिलरली यहाँ भी देख लीजिए, ये CH3 CCH3, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, वो के बीच में इधर CH3 इधर CH3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन है ना। यस सर। तो समझ में आई अपनी गलती आपको? यस सर। आंच लगा दिया आपने, हाँ चलिए अगर आ गई तो एक ये लास्ट सवाल करिए फिर दोनों का प्रोडक्ट का नाम बताइए। हो जाएगा देवांश? यस सर। सर प्रोपेनॉन एंड एथेनॉल। वेरी गुड, यहां से ये ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे आपका ऐसे बनेगा, सी डबल बॉन्ड हो, सी एच थ्री इधर, सी एच थ्री इधर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CHO, तो ये इथेनॉल और ये प्रोपेनॉल, ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए अब देखिए सवाल ये है कि आप तो ओजोनोलाइसिस करना सीख लिए, ठीक है, ओजोनोलाइसिस करना सीख लिए, लेकिन अगर आपको ओजोनोलाइसिस करने के बाद वाला प्रोडक्ट दे देता है तो आप क्या आप एल्किन निकाल सकते हैं? तो उसका भी बहुत ही आसान तरीका होता है, तो यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, राइट द IUPAC नेम ऑफ एल्किन ए विच ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स 2 moles ऑफ इथेनॉल, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इथेनॉल प्रोपेनॉल या इथेनॉल मिथेनॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 मोल का मतलब ये कितने बार लेना है सर? टू
इथेनल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3CHO होता है, दो बार लिख दीजिए। देखिए इससे एल्कीन बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है। किस तरीके से एल्कीन बनाना है आपको जरा फोकस करिएगा, इसको बस लिखने का तरीका आना चाहिए, आसानी से बन जाएगा। इसको क्या करना है ना आपको देवांश, सिंपल सिंपल क्या कर देना है, सी एच थ्री मैंने सी एच इधर लिख दिया, डबल बॉन्ड ओ इधर लिख दिया। वेट अ मिनट, मैंने क्या किया, एच ऊपर दिखा दिया आपको और डबल बॉन्ड ओ इस तरीके से लिख दिया, डबल बॉन्ड ओ ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। और इसको भी ना इसी तरीके से लिखिए ताकि डबल बॉन्ड एक साइड में आ जाए, एक ही साइड में आ जाए, एक ही बार में। बात समझ जाए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये दोनों एक साइड में आ जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। और अब आपको क्या करना है, इस पार्ट को निकाल देना है। इस पार्ट को निकालेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिएगा कार्बन कार्बन से। ये एच था तो एच यहाँ लिख दिया, एच था तो एच यहाँ लिख दिया, इसके पहले सी एच थ्री था तो सी एच थ्री लिख दिया, सी एच थ्री था तो सी एच थ्री लिख दिया। एक ये वाला क्वेश्चन दिया था तो इसी एल्किन को तो दिया था ना मैं, बताइए। Yes, तो जब भी आपको एल्किन निकालने को देना, नेम ऑफ एल्किन बताइए, तो आप इजिली बता सकते हैं यहाँ पे इसका नाम क्या है, ब्यूट टूइन है। Yes, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है कि ये डबल बॉन्ड ओ एक साथ लाइएगा ना, तो ये इजिली कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब ओ टू निकलते हुए दिखता है, डबल बॉन्ड को एड कर देते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। पहले ये लिख लीजिए फिर आगे करते हैं। हो जाए तो बताइएगा। यस सर। डन सर। वेरी गुड, स्लाइड चेंज करो। यस। चलिए एक सवाल देता हूँ बहुत ही अच्छा। तो सवाल ये है देवान साहब का कि वेट 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 लेट्स गो। एन एल्कीन जैसा कॉन्सेप्ट समझाया उस तरीके से चलिएगा, बहुत आसान लगेगा। एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन थ्री ऑन, write the structure and IUPAC of IUPAC name of A. I hope हो जाएगा ये।
हो जाएगा देवांश। यस अजय होने वाला है। सर एथेनल जी एथेनल एंड पेंटेन 3 ऑन है, बताइए। जी जस्ट मिनट सर सर 3-इथाइल पेंट 2-एन। वेट, लेट मी चेक। आपने कैसे किया? इथेनल का स्ट्रक्चर बनाया होगा कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था, यस डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला भी किया होगा, पेंटेन 3-ऑन का स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। इधर CH2, देन CH2 और इधर सॉरी CH2 और ये CH3। रुक जाइए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इस तरीके से किया आप, यस सर सही है। और उसके बाद ये दोनों मिला दिया आपने, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, CH3 और CH। यहाँ पे हो क्या गया देवान, CH3 और ये CH। अब ये डबल बॉन्ड दोनों को कनेक्ट कर देना है, तो डबल बॉन्ड C, और उसके बाद ये वाला पार्ट है तो इसको इधर लिख देता हूँ CH2 CH3, और ये वाला पार्ट इसी में बॉन्डेड है इससे तो नीचे लिख देता हूँ CH2 CH3, है ना, कोई दिक्कत? नो सर तो यहां से कर देंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-इथाइल हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, पेंट 2-ईन। बताइए। ये सर बस मैंने इन के वो मैं एन बोल दिया था। वेरी गुड, चलिए यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर वेरी गुड। तो ये था बेसिकली आपका क्या था, ये ओजोनोलाइसिस था जो कि बहुत ही आसान है। स्लाइड चेंज करूं, यस सर अब अपने पास क्या आ जाएगा, पॉलीमेराइजेशन आ जाएगा देवांश। क्या आ जाएगा, पॉलीमेराइजेशन। अब ये पॉलीमेराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीमेराइजेशन से पहले हम बात करेंगे पॉलीमर्स की। किसकी बात करेंगे, पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो पॉलीमर्स बनता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो बहुत सारे मोनोमर होते हैं, ठीक है, वो कंबाइन होते हैं। जैसे मान लीजिए इथीन का नाम सुना आपने, इथीन को जब हम एन टाइम्स लेते हैं ना और इसको कराते हैं तो यहाँ पे बनता है पॉलीथीन बनता है। क्या बनता है आपका, पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन, ठीक है। तो इथीन का एन टाइम्स लेके ये एक मोनोमर होता है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जैक्टली तो होता कैसे है, तो ये इस तरीके से होता है देवांश। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, दिख रहा है आपको देवांश। यस सर अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, हम एन टाइम्स लेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है कि होमोलाइसिस होता है। होमोलाइसिस याद है, होमोलाइसिस याद है, होमोलाइटिक होमोलाइसिस। यस सर क्या होता है होमोलाइसिस, सर वो डिसोसिएशन ऑफ मोल डिसोसिएशन ऑफ मोल। मतलब वो आपके चेंज हो जाते हैं ना पोजीशंस डबल बॉन्ड की अल्टरनेटिव आ नहीं, जाती होमोलाइसिस वो क्या होता है,
होमोलाइसिस का मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन, ये आइसोमेरिज्म थोड़ी है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दो टाइप का लाइसिस होता है ना, होमोलाइटिक और हेटरोलाइटिक, बताइए। मतलब तोड़ना होता है बॉन्ड, जब ये बॉन्ड है आपका और इसमें इक्वली डिवाइड हो जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन, इसको होमोलाइटिक कहते हैं। हेट्रोलाइटिक का मतलब होता है एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, एक पे पॉजिटिव आ जाए एक पे नेगेटिव आ जाए, उसे हेट्रोलाइटिक कहते हैं। इज दैट क्लियर देवांश? यस सर, अब यहाँ होमोलाइसिस होगा, होमोलाइसिस होगा तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है ये बताइए। अभी ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन तीन तीन बॉन्ड बना रहा है। दैट मीन्स देखिए, इसका एन टाइम्स लेते हैं और ये एक बॉन्ड इसका खाली है कि नहीं कार्बन का, यस और नो? यस सर, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए कैसे होता है। ये बॉन्ड खाली, यस यस टू, और ये भी तीन बना रहा है, ये बॉन्ड खाली होगा कि नहीं? ये एन टाइम्स। अब एन यस टाइम्स का मतलब ये बार बार रिपीट होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा। तो ये इथीन है, एक मोनोमर है, ठीक है, जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीमर में। इसी प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, इस कंपाउंड को हम पॉलीमर कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर, अब इस पे कंडीशन भी होता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए एंड प्रेशर होना चाहिए और कैटलिस्ट होना चाहिए ताकि जल्दी दे। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, जल्दी से रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये इथीन एक मोनोमर है, इथीन का नाम तो सुना होगा ना, यस सर, और वो पॉलीथीन जो यूज होता है अपने डे टू डे लाइफ में, उसको ये होता है आपका पॉलीथीन, ये जो होता है ये आपका पॉलीथीन होता है। चलिए इसे लिख लीजिए, उसके बाद एक और पॉलीमर का एग्जांपल दे देते हैं, देन नेक्स्ट क्लास में अपन लोग एल्काइन शुरू करेंगे। डन चलिए इसका दूसरा एग्जांपल अगर देखेंगे आप तो देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल है, प्रोपीन से बनाते हैं। प्रोपीन का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है? प्रोपीन आपको पता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इन सब में ना वही चीज होता है, क्या होता है जो मैं बताया हूँ कि होमोलाइसिस होता है। जब क्लास 12th में पढ़ेंगे ना, हर जगह देखेंगे होमोलाइटिक, होमोलाइटिक का मतलब ध्यान में रखा करिए, ठीक है। कंडीशन क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये एन टाइम्स लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब देवांश आप खुद ही देखिए, वैलेंसी किसका फ्री रहेगा, इस कार्बन और इस कार्बन का फ्री रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना हम लोग, यस सर, ये तो चार बना रहा है ना, एक इस यस कार्बन से और तीन हाइड्रोजन से। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, CH3 को इधर दिखा देते हैं और इसको इस तरीके से CH2। एक तो थ्री बनाओ तो जीरो बन जाता है, ठीक है, ये CH2। अब ये फ्री रहेगा इसका और ये फ्री रहेगा इसका, इस तरीके से कैसे भी वो कर सकते हैं। तो ये प्रोपीन से विटामिन, ये क्या बन गया, प्रोपीन से ये एक मोनोमर है, मोनोमर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया, पॉलीमर, जिसका नाम होता है पॉलीप्रोपीन। क्या नाम होता है, पॉली प्रोपीन। इज दैट क्लियर? यस सर, तो चलिए यहाँ पे, थैंक यू।